नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये लेनोवो का एडेप्टर है, ठीक है, इसको रिपेयर करना है। और इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं बता देता हूँ कि नो पावर है एक्चुअली, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे रखा मैंने, वैसे यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में लेनोवो का एडेप्टर को इसको रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या तकलीफ है। ओरिजिनल एडेप्टर है लिनोवो का, देख सकते हो। तो इसे अभी ओपन करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले देखो जो थोड़े बहुत प्रोसेस हैं वो समझ लो। देखो सबसे अच्छा होता है पेट्रोल, अगर आपके पास पेट्रोल है तो अच्छी बात है। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं WD का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ओपनर ये जो रहते हैं इसके लाइनिंग वगैरह, यहाँ पे आप सिंपली सिर्फ मार दीजिए इस तरीके से WD-40, ताकि ये पूरा फैल जाए और कोशिश करें कि बीच में से जाए, ठीक है। तो सॉरी, इस तरीके से मार दीजिए, ओके, चारों तरफ से इसे मार दीजिए और तकरीबन 2 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि इसका खोलने का प्रोसेस भी बता देता हूँ भाई, ठीक है। इस तरीके से मार के इसे 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। होने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए, ओके, ताकि आपके हाथ में ऑयल वगैरह मतलब ना लगे, चिप मतलब कुछ ऐसा लिक्विड टाइप, जस्ट ऐसे पोंछ लीजिए नॉर्मली, ज़्यादा डीपली नहीं। देखो अब ऐसे सीधे तो ये खुलेगा नहीं, अगर पेट्रोल होता तो फटाक से खुल जाता। अब इससे मारने से कैसे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी माइनस ले लो जैसा आपको जमे, और यहाँ पे रख के इसके ऊपर सिर्फ इससे मारो जोर से, तो ये टापो करके खुल जाएगा। हालांकि मैं इस पर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लकड़ा कमज़ोर है, तो ज़्यादा इस पर फोर्स या फोकस नहीं कर सकता। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ब्रेक कर लूँगा ऐसे ऐसे मार मार के, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखो ये ओपन हो जाता है, ओके, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है पूरा। बस इस पर हल्का सा मारना रहता है, थोड़ा सा ऐसा माइनस वगैरह लेके। क्या इस तरीके से ओपन में अपन नहीं मार सकते क्योंकि लकड़ा कमजोर है मेरा, टूट जाएगा। इस पर नॉर्मल रिपेयर कर सकते हैं, ताकत नहीं लगा सकते भाई इस पर, ठीक है। इसके बाद इसे आप खोलेंगे, लिनोवो का ओरिजिनल अडेप्टर है, नो पावर। तो क्या क्या हो सकता है देखेंगे, चलो वीडियो में। भाई काफ़ी मुश्किल है इसे खोलना क्योंकि चिप चिपका वगैरह है, चिपकाया हुआ है। इसे भी खोलने के लिए बैक साइड से शोल्डरिंग करना होगा। तो पहले तो इसे मैं इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये यहाँ से भी कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से इसे शोल्डर करके फिर निकलेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें आयरन देख लेता हूँ मैं, हुआ इतनी गर्म भाई, सॉरी अभी तो मैं जल जाता था मेरे ही हथियार से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या है, आपको एक एक कंपोनेंट सारे चेक करने होंगे। इतने तो छोटे से चीज़ में किस तरीके से क्या क्या दिया हुआ आप देख रहे हो, ठीक है। अगर थोड़ा आपको अगर थोड़ा अच्छे से साफ करने के लिए ये सब निकालने के लिए जमेगा तो आप निकाल लीजिएगा, ताकि कंपोनेंट देखने में आपको ईजी पड़ सके इतने, क्योंकि भाई इतने से छोटे में कंपोनेंट ढूंढना एक एक चीज़ को और निकालना सबसे बड़ा टफ और चैलेंज का काम है। तो यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर दिख रहा है, फिलहाल फूला हुआ बड़ा वाला कैपेसिटर है, तो ये फूला हुआ दिख रहा है। लेकिन हमको वो से उस पर काम करने के पहले पहले इसका फ्यूज़ चेक करना होगा, फिर यहाँ पे इसके ब्रिज डायोड होने चाहिए। ये शायद ब्रिज डायोड यहाँ पे है, नीचे ऊपर काफ़ी मतलब बहुत लगा दिया है ऐसी कंडीशन में कि भाई फिलहाल तो चेक करना थोड़ा मुश्किल है, सब साफ करना ही पड़ेगा मुझे।
मैं साफ कर लेता हूँ ज़रा भाई, बहुत तामझाम है इसमें। ठीक है, तो अभी चलो एक बार चेक करवा देता हूँ आपको मल्टीमीटर से। मतलब इतना आसान नहीं है इसमें काम करना, इतने छोटे से में सब देखे। चाइना वाले बहुत तरक्की कर चुके हैं भाई। ठीक है, ये फ्यूज़ है, ये ना, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर ये फ्यूज तो उड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गपचम ऊंची है। ये ब्रिज डायोड है यहाँ पे, इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रिज डायोड वगैरह भी सही है इसका, मुझे लगता नहीं कुछ बड़ा इशू है। थोड़ा ट्रांजिस्टर वगैरह देखेंगे और क्या क्या है इसमें। मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा ओपन करके फिर मिलता हूँ, ताकि आपको भी समझूँ और मैं भी समझा पाऊँ आपको। भाई ये तो मोए मोए हो गया मेरा, क्योंकि ये ऊपर से इस तरीके से चिपका था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से भी है। तो इससे मैंने जैसे पिन यहाँ पे घुसा है, इसे फटाक से निकल गया। बेवजह मैंने इस पर इतना काम किया, मेहनत किया, शोल्डर वोल्डर निकाल के पूरा निकाल रहा था। मैं बोल रहा मोई मोई हो गया मेरा। कोई बात नहीं, समझ में तो आया कहाँ कहाँ दिक्कत है, क्या क्या तकलीफ है। ट्रांजिस्टर को मैंने चेक ही नहीं किया था, तो एक बार ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करेंगे। हालांकि मैं उसको भी शोल्डर करके निकालने के चक्कर में था, देख सकते हो। ओके, शायद हो सकता है ट्रांजिस्टर खराब हो, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखा रहा है। तो निकालेंगे इसको, चेक करेंगे कैपेसिटर वगैरह चेक करेंगे। फिर यार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है और इधर ब्रिज डायोड सही दिखा रहा है, बाकी कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। ट्रांजिस्टर ऐसे तो सही दिखा रहा है, लेकिन ऐसे तो हो सकता है ये एन चैनल नहीं सही है। नहीं, ये मॉस्फेट है, ट्रांजिस्टर नहीं है भाई। आज मेरा मोई मोई हो रहा है बार बार। अरे सब इतने छोटे से मैं दिया है भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी उसके लिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, क्या हो गया उसके बाद है अभी। बहुत गर्म हो रहा है भाई, ठीक है। अभी हम इसको निकालेंगे। यार खाली बोर्ड, ये खोला वो खोला, बहुत मगजमारी हो गया। और था कुछ नहीं, ये देखो सब कुछ सही था, सब कुछ, बस एक फ्यूज़ ख़राब था। और ये कैपेसिटर देख सकते हो, 120 माइक्रो फैरड है भाई, 120। ठीक है, 420 वोल्ट का है, 120 का माइक्रो फैरड है। और क्या क्या इसमें ख़राब होने का चांस है, तो कैपेसिटर वगैरह देख लो, ये भी ख़राब होता है। ठीक है, ये जो शोल्डर्स निकले हैं सबको लगा देना ध्यान से, जो जैसे थे भाई वैसे ही रह जाओ। अच्छा वो पूरा निकाला नहीं मैं, तो मेरा मेहनत तो और डबल हो जाता था, फिर भी काम बढ़ ही गया मेरा। ठीक है, तो अभी हमको कैपेसिटर देखना होगा। और ये कुछ कैपेसिटर रखते हैं, ये तो बड़े वाला जो SMPS आता है ब्रांडेड वाले, उसमें लगते हैं 400 वोल्ट, 270 माइक्रो फैरेड। बाकी ये है 450 47 के, मतलब छोटे छोटे हैं, मतलब 47 का ही है मोस्टली, 120 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर नहीं है।
इसको हम लगा के काम चला लेंगे। ठीक है, ये कितना वोल्ट था? 420 वोल्ट 120 माइक्रोफेरेड। इसके बदले हम इंस्टॉल करेंगे 450 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड। चलता है उसके बदले, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं आता। लेकिन इस पे मेरे को डाउट है, शायद ख़राब है या कुछ है, शायद ये डाउट है। देखो यहाँ से थोड़ा सा लीक जैसा दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब ये शायद पुराना वाला है, फेंक दूंगा उसको, नया ही लगाएंगे। तो ये सारे नए ही, ठीक है। देखो ये पिन विन मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, प्रॉपर नहीं है, तो मतलब ये नए ही, ठीक है। हो सकता है वो मैंने निकाल के रख लिया होगा किसी का, भाई पैसे बचाने पड़ते हैं। यूट्यूब से भी अभी तक इनकम आया नहीं मेरा कि मैं उस पर प्रॉपर कर सकूं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर देंगे जैसा था, प्लस माइनस देख के ध्यान से लगाइएगा। देखो इस तरफ से एक पतली सी लंबी सी लाइन है, ठीक है, दिख रहा ही है ये वाला, ये वाली लाइन, मतलब इसका ग्राउंड इस तरफ है और इस तरफ कोई भी लाइन नहीं है, प्लेन है, तो मतलब वो प्लस है। तो इसका प्लस माइनस देख लीजिएगा और लगा दीजिएगा प्रॉपर में, ओके। और इसे फ़िलहाल मैं इस तरीके से छोटे को फिट कर लेगा हूँ, ओके। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखो, क्या पता नहीं अगर चलेगा तो एटलीस्ट आपका कैपेसिटर ख़राब तो नहीं हो, आप यूज़ कर सको उसको, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से शोल्डर कर लो, ठीक है। और जो जो हमने ओपन किया है सभी को मुझे शोल्डर करना रहेगा, कनेक्टर वगैरह, इसके कनेक्शन सारे है। लिनोवो ने काफ़ी अच्छे से बनाया एडेप्टर को, मतलब काफ़ी अच्छा एडेप्टर है, यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में बहुत बढ़िया एडेप्टर है लिनोवो का। ठीक है, जो इसका मुंह निकला है बाहर, मतलब इसकी टांग, इसको हम काट देंगे और साइड में फेंकेगा, अदरवाइज इसी पे गिरा तो शॉर्ट हो जाएगा। और एक फ्यूज़ को एक पतले वायर से जंपर मारेगा, ठीक है, मतलब बाल के जितने जो पतले वायर होते हैं वैसे वायर इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये सब मत इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोई ना कोई केबल मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप इस तरीके से पतला सा एक वायर अलग कर लीजिए, इस पर शोल्डर मार दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दोनों पे शोल्डर मारिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उसके फ्यूज हैं, ठीक है। के बाद है कटर। कटर से आप इतना बारीकी से काटिए कि इसका आसपास में थोड़ा सा भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो चुका है, एक बार जंपर से चेक करेंगे,
सॉरी, देख सकते हो फ्यूज बीप साउंड आने लगा। ठीक है, बीप साउंड आ रहा है भाई। तो ये फ्यूज हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद बाकी तो और कुछ है नहीं, सब जगह शोल्डर वोल्डर मार दिया। एक बार प्रॉपर देख लो कहीं से कोई शोल्डिंग वगैरह तो ओपन तो नहीं है, और नहीं है तो एक यहाँ पे भी है। हालांकि अर्थिंग ऐसा कुछ मतलब करंट का है, इससे कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार दो भाई। समझे, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ी इशू हो जाती है। ये हो गया यहाँ पे। तो अब मल्टीमीटर को DC 200 पे सेट करेंगे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद पावर कॉर्ड सीरीज पे चेक करिएगा, डायरेक्ट पे मत करिएगा फिलहाल। तो इसे मैं लगा दे रहा हूँ। ओके, पूरा अपने हिसाब से अच्छे से फिट कर लेते हैं। और ये बंद है, अभी चालू नहीं है। ओके, पहले आप अपनी तैयारी में आइए चेक करने के। अब उसके बाद इसके पहले ऑन करके देखेंगे पावर आया। पावर तो आएगा 100% है, बस इसका वोल्टेज हमें चेक करना रहता है। तो देख लीजिए, देखिए अभी इसका एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, 20 वोल्ट पूरा प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा एडेप्टर रिपेयर हो गया है। बीच के पिन पे नहीं आता कुछ, बीच के खाली HP के पिन पे आता है, डेल वेल किसी पे भी नहीं आता। तो इसका मतलब हमारा ये मॉनिटर रेडी हो गया, अरे सॉरी एडेप्टर रेडी हो गया लिनोवो का। आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आप इस्तेमाल करो, मतलब लीनो का इस पे ही होगा और किसी दूसरे जगह पे नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, छोटा वीडियो था, अच्छा लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।